हम डिस्कस करेंगे अ कॉपर वायर हैज अ डायामीटर 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर. व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम. हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ इट्स डायामीटर इज डबल. अब सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो सारी क्वांटिटीज बच्चों अपन लिख लेंगे. चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमें डायामीटर दिया गया है जिसकी वैल्यू 0.5 mm है. ओके, तो डायामीटर d इज इक्वल टू 0.5 mm, जिसका सीधा सा मतलब होता है 5 × 10⁻⁴ मीटर. ये आपका डायामीटर हो गया. चलिए अब हमें दिया गया है रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है 1.6 × 10⁻¹ ओम मीटर. तो रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट किया जाएगा, 1.6 × 10⁻¹ ओम मीटर. चलिए अब हमें पूछा गया है कि लेंथ कितना होना चाहिए जिसकी वजह से रेजिस्टेंस वैल्यू 10 ओम हो जाए. ओके, तो सबसे पहले अपन इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं. तो बच्चों सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए आप लोग. अब देखिए अगर मैं इस तरह की कोई चीज़ है या इस तरह से हमें कोई एंड दिया गया है, अगर मैं इसका एरिया फाइंड करता हूँ तो ये जो एरिया है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है जिसका फॉर्मूला दिया जाता है बच्चों पाई आर स्क्वायर से. क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. अच्छा, एज वी ऑल आर अवेयर, हम सब लोग जानते हैं डायामीटर जो होता है डी, इसको लिखा जाता है 2 × r, मतलब के 2 × रेडियस से डायामीटर इक्वल टू. तो क्या मैं इधर रेडियस को सब्जेक्ट बना के डी बाय 2 डायामीटर लिख सकता हूं? ओके, तो जो एरिया है वो फाइंड करने का हमारे पास एक दूसरा भी फॉर्मूला आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, और ये हो जाएगा पाई आर की जगह पर डी बाय 2 स्क्वायर, मतलब के पाई डी स्क्वायर बाय 4. तो एरिया फाइंड करने का हमारे पास बच्चों एक सीधा सा फॉर्मूला बन गया पाई डी स्क्वायर बाय 4. चले अब पाई की वैल्यू 3.14 डी, यहाँ पर हमें डायामीटर दिया गया दैट इज 5 × 10⁻⁴ और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, तो अगर हम इसी वैल्यूज को पुट अप करते हैं तो 3.14 इंटू 25. अच्छा अब बच्चों ये गलती आपसे होती रहती है, पावर का पावर है तो इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि 4 × 2 मतलब के 10⁻¹ हो जाएगा अपॉन 4. चलिए इसका वैल्यू क्या होगा, लेट अस चेक. तो भैया हमें यहाँ पर देखिए 3.14 × 25 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमें आंसर मिल रहा है कुछ 19.625 × 10⁻¹⁸ मीटर स्क्वायर, ये हमें एरिया मिल गया. अच्छा एरिया मिल जाने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला होता है
रेजिस्टेंस फाइंड करने का। फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। फॉर्मूला क्या है बच्चों? रो L बाय A। चले L को सब्जेक्ट बनाइए, पे हो जाएगा आर ए अपॉन रो। आर रेजिस्टेंस वैल्यू दिया गया है 10, ए एरिया हमें मिल रहा है 19.625 10 रेस टू माइनस 8 अपॉन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमें दिया गया है 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 8। ओके, तो सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 10 रेस टू माइनस 8 10 रेस टू माइनस 8 ये कैंसिल हो गया। अब 19.625 डिवाइडेड बाय 1.6 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12.265625। इंटू 10 मतलब क्या आंसर होगा? 122.65 यानी कि नियरली इक्वल टू 123 ओम। तो भैया आपका रेजिस्टेंस वैल्यू हो जाएगा 123 ओम। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन दूसरा पूछा गया है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ इट्स डायामीटर इज डबल, है ना? तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं बात करूं, अब हमें जो डायामीटर डी डैश है वो इनिशियल वैल्यू से डबल दिया है, तो एरिया ए डैश, ए डैश का फॉर्मूला हो जाएगा पाई डी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स पाई 2d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा पाई 4d स्क्वायर बाय 4। चले 4 गेट कैंसिल, ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर। ओके, तो ए डैश मिल गए आपको पाई डी स्क्वायर। अच्छा, अब ए डैश अपॉन ए करेंगे, ए डैश की वैल्यू है पाई डी स्क्वायर और ए की वैल्यू है पाई डी स्क्वायर बाय 4। पाई डी स्क्वायर गेट कैंसल, ए डैश हो जाएगा क्योंकि 4 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है यानी न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ए डैश इज इक्वल टू 4 है, मतलब एरिया हो जाएगा आपका 4 टाइम्स। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन का यूज करता हूँ तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो आर डैश बाय आर ए अपॉन ए डैश, दैट मीन्स आर डैश बाय आर ए, ए डैश की वैल्यू 4 है, यानी आर डैश हो जाएगा आर बाय 4, यानी कि इनिशियल वैल्यू से 1/4, सो नया रेजिस्टेंस आएगा दैट इज 2.5 ओम।